नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट। एग्ज़ाम को लेकर ये नया अपडेट कल से सामने आ रहा था कि मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, उनको कई विद्यार्थियों ने पत्र लिखा और उनसे ये मांग की कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए, वैकेंसी को दोबारा ओपन करवा के दोबारा फॉर्म भरवाया जाए। तो इस बारे में क्या सच्चाई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि वीडियो को आप, जो भी ये वीडियो है 3 से 4 मिनट का, इसको आप पूरा वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके, आप भ्रमित ना हो, सारी बातें आपको क्लियर हो सके कि आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, सारी सच्चाई क्या है उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कल आपने भी कई वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे, जिन जिन वीडियोस में भी यही जानकारी दी गई है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, 100% कंफर्म न्यूज़, इस तरह की कई न्यूज़ यूट्यूब पर भी कल आपने देखी होगी। और कई विद्यार्थियों ने मुझसे सवाल भी किया है कि ये एग्ज़ाम डेट क्या आगे बढ़ने वाली है, कई विद्यार्थियों के कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सभी का जो डाउट है एग्ज़ाम को लेकर वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी 2019 में आपका एग्ज़ाम है और लगभग आज से आपके एग्ज़ाम में 1 महीने का समय, लगभग 30 से 35 दिन का समय आपके पास अब शेष है। तो ये पत्र आपने देखा होगा जिसमें यहाँ पर लिखा है, सेवा में श्रीमान अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। अब इस पत्र में क्या क्या, इस प्रार्थना पत्र में क्या क्या जानकारी दी गई है, सबसे पहले आप वो देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार द्वारा 15 से 23 जनवरी 2019 तक प्रस्तावित स्कूल व्याख्याता परीक्षा आगे बढ़ाने के क्रम में, और इसमें ये जानकारी भी दी गई है, यहाँ आप देखिए, फॉर्म पूर्ण भरवाकर 2 या 3 माह का अतिरिक्त समय देकर परीक्षा करवाना, क्योंकि वसुंधरा सरकार ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षा के बीच बहुत कम समय दिया है। उन्होंने बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात करते हुए पिछले 6 माह में वोट लेने के चक्कर में 18 विभागों में भर्तियां निकाली है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले 6 माह में 18 विभागों में भर्तियां निकाली है, जो राजस्थान की वैकेंसीज़ है वो सभी वैकेंसीज़ एक साथ निकाल दी गई, जिससे विद्यार्थी भी काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि किसकी हमें तैयारी करनी चाहिए और किसकी नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, अतः श्रीमान आपसे निवेदन है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम आगे बढ़ाने की कृपा करें। तो ये सारे सुझाव आप देख सकते हैं जिसमें एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मेन बात यही है कि एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए, जो जनवरी 2019 में प्रस्तावित एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, उसको आगे बढ़ाया जाए, और ये समस्त अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता परीक्षा राजस्थान। तो ये पत्र आपने देखा होगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये जो लेटर निकाला गया है प्रार्थना पत्र, ये पहली बात, ये ऑफिशियल प्रार्थना पत्र नहीं है, ना आरपीएससी के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये आप कंफर्म नहीं मान सकते कि आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने वाली है, पहली बात सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या संभावना है इसकी। अभी आप देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट, वो लगभग 2 या 3 महीने पहले से प्रस्तावित कर रखी है आरपीएससी ने। तो आरपीएससी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है कि एग्ज़ाम हमें जनवरी में लेना है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए आपकी एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आरपीएससी ने इसकी एग्ज़ाम डेट 3 महीने से पहले प्रस्तावित कर रखी है, और इसी के चक्कर में आरपीएससी ने दूसरे एग्ज़ाम की डेट जारी नहीं की है। और आरपीएससी का ये फॉर्मूला भी है कि एग्ज़ाम डेट 45 दिन पहले आरपीएससी जारी करता है, और लगभग 2 महीने पहले ही आरपीएससी एग्ज़ाम डेट घोषित कर देता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम लेता है। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि आपकी एग्ज़ाम डेट आगे एक्सटेंड की जाएगी। और अभी आपने देखा होगा, आप में से कई विद्यार्थियों ने सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें कोर्ट केस भी हुआ एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, एग्ज़ाम समय पर ही हुआ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम डेट के चक्कर में ना आए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी और आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, ऐसा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। जब तक ऑफिशियली कोई भी सूचना नहीं आती, आप इसको कंफर्म ना माने और जनवरी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें, क्योंकि ये आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। इसके बाद पता नहीं आपको व्याख्याता बनने का मौका आगे कब मिलेगा, तो इस बात को आप सीरियसली रहें।
और YouTube पर इस तरह के कई वीडियोस भी चल रहे हैं जिसमें विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है। तो आप अपना हित और अहित समझे, बातों को समझे, सही क्या है, गलत क्या है, तो इस बारे में आप थोड़ा विचार करें और जनवरी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ाने की, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। चैनल आप देख लीजिए, राजस्थान जीके स्टोर, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और राजस्थान से जुड़ी हुई भर्तियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर हमने कई वीडियोज़ भी हमने अपलोड किए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित भी हमने प्लेलिस्ट आप विज़िट कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर। यहाँ पर हमने RPSC फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स के वीडियो, फर्स्ट ग्रेड पर आपका महाराणा प्रताप का एक टॉपिक है उस पर भी हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। महाराणा प्रताप से बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया है, तो इन वीडियोज़ को आप देखें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे या चैनल को विज़िट कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है दोस्तों, भ्रमित ना हो और जो समय दिया गया है अभी तक RPSC ने, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करें। जब तक कोई भी ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की जाएगी तब तक आप अपनी एग्ज़ाम डेट को आगे नहीं माने, इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें। इसी डेट का पर आपका एग्ज़ाम होगा और बीच में कोई भी सूचना आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से आपको समय पर सूचना दी जाएगी। और आप अपने विचार जो भी हैं कमेंट करके आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी विद्यार्थियों तक भी जानकारी पहुंच सके, जिससे किसी भी विद्यार्थी का ये एग्ज़ाम व्यर्थ ना जाए और वो अपनी तैयारी समय पर करता रहे जिससे उसको उचित परिणाम मिल सके। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करें और आपके जो भी मित्र हैं उनको भी बताएं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की फ़िलहाल कोई भी डेट नहीं है, जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा, उसी को लेकर आप तैयारी करें। और एग्ज़ाम डेट बढ़ती है तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। धन्यवाद।